like I do right now. Don't say you're on the run. आज मैं कनॉट प्लेस में स्थित जंतर मंतर में आई हूँ, जो एक खगोलीय वैद्यशाला है जो दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित है। तो मैं आज जंतर मंतर के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगी कि यहाँ की जो वैद्यशाला है उसके विषय में। जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। जयसिंह ने ऐसी कई वैद्यशाला मन को निर्माण करा है जो जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं जो ग्रहों की गति नापने के लिए बनाए गए हैं, और सम्राट यंत्र यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र है जो सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। जंतर मंतर का निर्माण समय और स्थान के अध्ययन में मदद और सुधार के लिए किया गया था। बता दें कि जंतर मंतर एक खगोलीय वैद्यशाला के रूप में है, और जो यहाँ का मिष यंत्र है वो वर्ष के सबसे छोटे दिन को निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस यंत्र की सबसे खास बात यह है कि इसे खुद जयसिंह द्वारा डिज़ाइन किया गया है, और जयप्रकाश यंत्र जंतर मंतर में स्थित एक खोखले गोले के समान यंत्र है जिसकी मदद से पर्यवेक्षक विभिन्न चिन्हों के स्थान एक स्टार की स्थिति को संरक्षित करते हैं। और यहाँ पे राम यंत्र भी है जो समय की गति को निर्धारित करता है। अगर आप दिल्ली के जंतर मंतर की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि यह संसद मार्ग जनपद पर स्थित है, और इसलिए यहाँ तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। इसका नियर मेट्रो स्टेशन जनपद है, जहाँ से आप पैदल चलकर आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। और अभी यहाँ पे ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो रही है, जिसका पर पर्सन चार्ज है 20 रुपीज़, और जो जनपद है वो वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस में से एक है। हाँ, इतना ज़रूर मैं आपको जानकारी दे दूँ कि इसके नियर बाय आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको जनपद पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हैं। आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। उससे क्या होगा कि आपको मेरी जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।